हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, जब भी हम अपने स्मार्टफोन को पीडीएफ वगैरह अपने स्मार्टफोन में रखते हैं तो हमें इस चीज़ से डर रहता है कि अगर आपका स्मार्टफोन कोई और यूज़ कर रहा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, वो उसको चेक कर सकता है। बट आपको पता हो कि आप पीडीएफ में पासवर्ड रख सकते हैं, जिससे कि जो पीडीएफ है वो तभी ओपन होगी जब सामने वाला बंदा, आप जो पासवर्ड सेट कर देंगे वो पासवर्ड डालेगा, तभी उस पीडीएफ को एक्सेस कर पाए। ये काफ़ी सेफ्टी हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके पीडीएफ की। तो सिंपली आप उस पासवर्ड को कैसे डाल सकते हैं अपने पीडीएफ में, वो भी ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से। सो पासवर्ड डालने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीडीएफ में पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अपनी पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्मॉल पीडीएफ सर्च करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको सी ऑल पीडीएफ टूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको सिंपली स्क्रॉल ऑन करना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट पीडीएफ, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, जिस भी पीडीएफ को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, सिंपली उसको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से और उसको अपलोड कर देना है, जिस पीडीएफ में आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ उस पीडीएफ को। अब पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो सिंपली आपको अपना जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, और अगर नीचे रिपीट है आपको वही सेम पासवर्ड नीचे भी डाल देना है आपको, और इनक्रिप्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी पीडीएफ इस पर अपलोड हो जाएगी, और जो इनक्रिप्टेड हमने प्रोटेक्ट किए पीडीएफ फाइल को वो भी हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, करते ही जो भी आपकी पीडीएफ है वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको सिंपली इसको ओपन करके भी बताता हूँ, इसमें ये पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो मांगेगा, सिंपली डाउनलोड होने देना है इसको। दोस्तों, हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो सिंपली डाउनलोड हो चुकी है, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रही है, तो जो हमने पासवर्ड बनाया था सिंपली उसको आपको डाल देना है इसमें, और ओपन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो पीडीएफ है वो सिंपली ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ में पासवर्ड प्रोटेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप पीडीएफ में पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपली जब भी आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो वो एक पासवर्ड मांगेगा, तो जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा आप उसको डालिए और सिंपली आपकी जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। सो इस वीडियो में तो नहीं है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।